हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज सैटरडे, सो हम लोगों ने सोचा हम लोग एक वीकेंड ट्रिप मारते हैं महाबलेश्वर की। हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर 2 दिन के लिए, एक रात वहाँ पे रहेंगे ऑब्वियसली, और कल मतलब आ जाएंगे, कल संडे है। तो बात क्या है कि हम लोग ना काफ़ी लेट हो गए। हम लोगों ने सोचा था हम 9 बजे निकलेंगे, क्योंकि महाबलेश्वर पुणे से 120 किलोमीटर दूर है और हमें जाते जाते 2.5 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक वगैरह होता है। बट अभी बज चुका है 10 और हम लोग शायद 12-1 बजे पहुंचेंगे, शायद से 12-1 बजे। 3 घंटे लगेंगे हमें पूरे, और देखते हैं कितने पॉइंट्स हमसे आज कवर हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाता है। सो या लेट्स गो। अच्छा, एक बात और कि जब आप पुणे से महाबलेश्वर का गूगल मैप लगाते हो ना, तो वही करके एक प्लेस आता है, वहाँ से पहले ही आपको राइट टर्न बोल देता है, बट आपको वहाँ से नहीं जाना। आपको याद रखना है ये आशीर्वाद होटल आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे हाईवे पे, जब आप चल रहे होंगे तो वहीं से आपको मतलब सर्विस लेन पे हो जाना है। सर्विस लेन पे होने के बाद आपको 300 मीटर्स पे ये ऐसे फ्लाईओवर के नीचे से आपको टर्न दिखेगा। टर्न लेने के बाद आपको एकदम सीधे रोड पे चले जाना है, तो आप वही चले जाएंगे। और यहाँ से अगर आप मैप्रो तक का गूगल मैप लगाएंगे तो आप एकदम सीधे पहुँच जाएंगे। महाबलेश्वर पहुँचने के बाद हमारा फर्स्ट स्पॉट था वैना लेक, बट ड्यू टू कोविड रीजंस यहाँ पे बोटिंग बंद थी। ओनली आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे सिर्फ बाहर जो है घोड़ों पे बैठ के वो आपको ऐसे ही घुमा देते हैं, बट मेन यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो है बोटिंग। कोविड रीजंस की वजह से बोटिंग यहाँ पे बिल्कुल बंद थी, इवन आप नीचे लेक तक भी नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ओल्ड महाबलेश्वर चले जाते हैं। सो अगर आप पुणे से वैना लेक डायरेक्ट आ रहे हो तो यहाँ पे आपको कोई बोर्ड नहीं दिखेगा ओल्ड महाबलेश्वर के रास्ते के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ के रोड्स पे जब आप ओल्ड महाबलेश्वर वाले साइड जाते हो, वहाँ पे गूगल मैप भी नहीं चलते हैं। तो आपको क्या करना है, वैना लेक से एकदम सीधा जाना है, सीधा जाके आपको राइट लेना है। उसके बाद आप जैसे ही थोड़ी दूर चलेंगे तो आपको ऐसे वी दिखेगा, वहाँ पे उदय होटल करके है, तो वहाँ से भी आपको राइट लेना है। फिर जो रोड पे आप हो जाएंगे वो ओल्ड महाबलेश्वर की रोड है, उसी पे आप सीधा सीधा चलते रहेंगे तो आप ओल्ड महाबलेश्वर में जितने भी मतलब मोस्टली वहाँ पे मंदिर है तो आप वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। सो गाइज, वी फाइनली रीच्ड ओल्ड महाबलेश्वर। ये मंदिर का गेट है, मंदिर के गेट के बाहर ही आपको पार्किंग मिल जाती है। 20 रुपीज़ हम लोगों ने पार्किंग के लिए पे किए हैं। मंदिर के अंदर भी एक्चुअली कार्स जाते हैं, गेट के अंदर भी, बट हम लोगों को पता नहीं था तो हम लोगों ने बाहर ही पार्क कर दी। इस यहाँ पे जो है 3 मंदिर हैं, कृष्णाबाई मंदिर, एक ओल्ड महाबलेश्वर शिव जी का मंदिर है और एक पंचगंगा मंदिर है। यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाते हैं। एक्चुअली जो कृष्णाबाई मंदिर है वो थोड़ा सा 200 मीटर्स का थोड़ा रास्ता है, थोड़ा अंदर जाके है, इसलिए गाइड यहाँ पे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, लेकिन इतनी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरो वगैरह बने हुए हैं, तो नॉर्मल सा ये ट्रैक है, एक रोड है, थोड़ा कच्चा रास्ता है, यहाँ पे आप चले जाओ। और यहाँ पे भी मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप खो जाओगे, वहाँ पे आपको सारी जगह पे एरो करके ऐसे दिखेगा।
मंदिर के जस्ट सामने का व्यू बिल्कुल ही मेस्मराइजिंग है। यहाँ पे ये कृष्णा रिवर है और आपको कृष्णा रिवर घाटी देखने को मिल जाती है। अगर आपको महाबलेश्वर की घाटियाँ एक्सप्लोर करनी हैं तो सबसे अच्छा टाइम जो होता है विंटर्स होता है, बिकॉज रेनी सीज़न में यहाँ पे फॉग इतना होता है कि आप घाटी देख ही नहीं पाते हो फॉग की वजह से। और विंटर्स में सुबह और शाम की ठंड होती है और दिन में मौसम बहुत अच्छा रहता है, ना ही ठंडा रहता है और ना ही गर्म रहता है। सो गाइज, वी आर डन विद कृष्णापुरी मंदिर, कृष्णा बाई मंदिर ना, कृष्णापुरी मंदिर तो इंदौर में था, सॉरी। सो कृष्णा बाई मंदिर, सच अ ब्यूटिफुल मंदिर। यहाँ से कृष्णा रिवर का व्यू दिखता है पूरा। अभी कौन से मंदिर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पंचगंगा मंदिर है। कृष्णापुरी कृष्णा बाई मंदिर थोड़ा नीचे है और जो पंचगंगा मंदिर है वो वहाँ पे। और अभी यहाँ पे शिवम को दिखा है स्ट्रॉबेरी बाग, तो हम लोग वहाँ स्ट्रॉबेरीज चेक करने जा रहे हैं। इतनी तेज धूप में गन्ने का रस पी के एकदम जान में जान आ गई थी। उसके बाद हम लोग गए ओल्ड महाबलेश्वर का जो मेन शिवजी का मंदिर है, जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर से आते हैं, वो शिवजी का मंदिर है यहाँ पे, उसको देखने के लिए हम लोग गए। एज़ यूजुअल जितने भी इंडियन मंदिर होते हैं कहीं भी आपको वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, सो इसलिए बस मैंने बाहर से एक अच्छा सा शॉट लिया। मंदिर काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग भी महाबलेश्वर जाएँ तो इस मंदिर को स्किप ना करें। उसके बाद हम लोग गए यहाँ का आखिरी मंदिर जो है पंचगंगा मंदिर। यहाँ पे पाँच जो नदियाँ हैं उनका मिलन होता है और उनका पानी यहाँ पे काफ़ी पवित्र माना जाता है। मंदिर को देखने के बाद हमें यहाँ पर दिखी ब्लू कलर की रास्पबेरीज। हमने रेड कलर की रास्पबेरी खाई थी बट ब्लू कलर की बिल्कुल नहीं खाई थी। काफ़ी टेस्टी होती है, खट्टी मीठी होती है। यहाँ पे हमें 50 रुपीज़ की काका ने दी थी, इस पर मसाला वगैरह डाल के, बहुत ही टेस्टी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए अगर आप इस सीज़न में आ रहे हैं तो। चुके हैं हम लोगों ने ओल्ड महाबलेश्वर के तीनों मंदिर तो कवर कर लिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो आर्थर्स पॉइंट है और जो केट्स पॉइंट है वो बंद है, शायद कोविड की वजह से बंद है। हम लोगों ने पूछा पुलिस वालों को तो उन्होंने बोला कि शायद वो कल खुल जाएंगे। सेम वेना लेक भी उन्होंने यही बोला था कल खुलेगी, बट मंदिर खुले हुए थे तो हम लोगों ने वो देखे। काफी अच्छे मंदिर थे, उसमें सबसे अच्छा कृष्णा बाई मंदिर तो मतलब बहुत ही औसम था, वहां से व्यू भी बहुत ज्यादा अच्छा था। तो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, तो ओल्ड महाबलेश्वर में तो इतना कुछ हमें दिखा नहीं, लेकिन हम लोग ओल्ड महाबलेश्वर से न्यू महाबलेश्वर जा रहे हैं। कम से कम 6 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे मोड़ ज़्यादा है तो जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आधा घंटा लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने में। लंच के लिए हम लोग पहुँचे बगीचा कॉर्नर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट्स ऑफ महाबलेश्वर। अगर आप लोग भी महाबलेश्वर आ रहे हो तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया इनका मकई पैटिस, जो काफ़ी अच्छा था। आउटसाइड थोड़ा क्रिस्पी और अंदर जो है इसमें जो कॉर्न होते हैं, कॉर्न और आलू की फिलिंग थी, विच इज़ क्वाइट गुड। ना ज़्यादा स्पाइसी था और ना ज़्यादा सॉल्टी, बट काफ़ी अच्छा टेस्ट था। यहाँ पे हमने ट्राई किया इनका आलू चीज़ पराठा, विच इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ का सब कुछ अच्छा था, एंड दिस वन इज़ द बेस्ट सेलर ऑफ देयर, स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, विच इज़ सीजनल। इस सीज़न में अगर आप जा रहे हो तो मैप्रो की ना खा के आप बगीचा कॉर्नर की ज़रूर ट्राई कर सकते हो, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी।
सो लंच होने के बाद हम लोग पहुँचे सिडनी पॉइंट। हमारा लंच काफ़ी लेट ख़त्म हुआ था 5:30 तक, और सिडनी पॉइंट है पंचगनी में, जो कि महाबलेश्वर से आधे घंटे की दूरी पर है। यहाँ पे आपको एक ये हैंगिंग ब्रिज भी मिल जाता है, वहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। सिडनी पॉइंट से आपको कृष्णा वैली का पूरा व्यू दिखता है, दूर दूर तक पहाड़ और घाटियाँ, बहुत ही शांत यहाँ पे एनवायरनमेंट है, और एकदम दूर दूर तक सिर्फ आपको ऐसे नदी और पहाड़ दिखेंगे। काफ़ी सुकून मिला हमें यहाँ पर आके, और यहाँ का जो सनसेट व्यू था वो बहुत ही शानदार था, जिसको देखने के बाद मानो पूरे दिन की जो थकान है वो मिट सी गई थी। अब सनसेट देखने के बाद टाइम हो चला था चेक इन करने का, सो हम लोगों ने बुक किया था क्लाउड मिस्ट रिसॉर्ट एंड स्पा। रिसॉर्ट से व्यू काफ़ी अच्छा था, और इसके जितने भी डिटेल्स हैं, रूम टूर है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आने वाले हैं, तो आप उसको चेकआउट करना मत भूलना। चेक इन करने के बाद हम लोग गए डिनर करने। डिनर करने हम लोग गए पंचगनी दरबार। यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों मिलते हैं, और यहाँ से माउंटेन व्यू है, सो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे दिन में आएँ। यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया वेजिटेरियन फूड, जो काफ़ी सही था, ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा ख़राब था, हमें सही लगा। यहाँ का फूड ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं था, एंड अफोर्डेबल भी था। 600 में हमारा पूरा डिनर हो गया था। सो गाइज, वी आर बैक आफ्टर हैविंग आर डिनर। 10 बज चुके हैं, हम लोग होटल में आ गए, और अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम दोनों, सो इट्स टाइम टू क्रैश। तो हम लोग मिलते हैं कल। कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, उसका ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।